दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज़। तो दोस्तों आज फिर दूसरी बार हम आयांश के घर पे पहुंच चुके हैं। जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आयांश को बीमारी नहीं है, आयांश को कोई बीमारी नहीं है, ये सब झूठ है। तो उनको बता देना चाहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं हो रहा है वो आकर देख सकते हैं आयांश के घर पर, जिनका एड्रेस हम दे देंगे आपको डिस्प्ले पर हो रहा है वो देख लीजिए। आयांश के माँ से बात करेंगे कि इनको कैसे पता चला कि आयांश को SMA टाइप 1 है। बताइए कैसे पता चला आपको सर SMA टाइप 1 बीमारी है? सर ये 2 महीने तक बिल्कुल ठीक था, उसके बाद सर इसका मूवमेंट बिल्कुल स्लो पड़ने लगा। फिर हम इसे लेकर MRI कराए और MRI में सर कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला। देन हम लोग सर बैंगलोर गए। बैंगलोर में सर ट्रीटमेंट चला हाइपोटोनिया का। वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद सर 5-6 महीने हम लोग उसी हाइपोटोनिया में रह गए कि इसको हाइपोटोनिया है, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हो पा रहा था। फिर हम यहाँ सर वापस जब पटना में दिखाए तो पटना में एक डॉक्टर गुंजन कुमार हैं, उन्होंने कहा कि आप इसे लेकर जाइए बैंगलोर लेकर जाइए निमहांस, वहाँ टेस्ट होगा इसका तो पता चलेगा क्या है। सर वहाँ SMA टाइप 1 का टेस्ट हुआ और टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और डॉक्टर से हमने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जोलगेंसमा इंजेक्शन जो नोवार्टिस कंपनी बनाती है अमेरिका की, और कीमत 16 करोड़ रुपए है। जी सर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर वो इंजेक्शन सर आप समझ सकते हैं 16 करोड़ सर बहुत बड़ा रकम होता है वो। सर मेरे को लग रहा है कि इंडिया में 1-2% ही होंगे जो कि इस पैसे को अफोर्ड कर सकते होंगे बीमारी के लिए। तो सर हम तो खुद ही मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो सर हमारे दिमाग में बस यही आया कि हम क्राउड फंडिंग करते हैं, क्योंकि 1-2 बच्चों को और क्राउड फंडिंग के थ्रू बचाया जा चुका है। तो हम फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में शंका थी कि अगर बिहार में है तो पता नहीं उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन सर भारत से हमें बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा था। करीबन सर हम आज 7 करोड़ 20 लाख से थोड़ा अधिक है, लेकिन सर कुछ पत्रकार के कारण ये चीज़ें एकदम बंद हो गई, मतलब ख़त्म सी हो गई। और उसी का नतीजा है सर कि आज हमें 3 महीने से ज़्यादा हो गए ये क्राउड फंडिंग किए हुए। फिर आप दिल्ली गए थे, क्यों गए? सर दिल्ली में बस उस पत्रकार के कारण गई थी। उस पत्रकार लोगों का कहना था कि ये जो है इसको SMA नाम की बीमारी ही नहीं है, ये लोग बस पैसे लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। तो सर मैं ये प्रूफ करने गई थी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो मेरे पास पहले से 3-4 हॉस्पिटल्स का है। मैं एम्स बस इसीलिए गई थी क्योंकि इधर के लोग एम्स पर ज़्यादा ये करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ एम्स बहुत अच्छा है। और तो इसीलिए मैं एम्स गई, एम्स ने भी मुझे सर्टिफिकेट दिया। सर जब इसे SMA टाइप 1 है तो फिर उन पत्रकारों को विश्वास हुआ कि है या सर नहीं? वो लोग बिल्कुल साइड हो गए इन चीज़ों से, उन्हें विश्वास हो जाता, वो आकर सबके सामने बोल देते कि हाँ इसे SMA टाइप 1 है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसे मैं ये कर दूं कि SMA नाम की बीमारी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को तो खारिज नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद सर वो साइड हो गया। कुछ मनीष कश्यप के ऊपर अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उस पर क्या कहना चाहिए? सर उन अफवाहों के बारे में मुझे नहीं पता है। कैसी अफवाह सर? जो उनकी घूस ले रहे हैं आयांश के बीमारी में। सर कुछ मेरे यहाँ जितने भी पत्रकार आते हैं उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता, आप बताइए आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको मैंने घूस दिया है। तो सर सारे लोगों के ऊपर यही कहा ये चीज़ होता है कि वो घूस लिया है, ये है वो है। आयांश के पिताजी पर भी अफवाह उड़ाई थी। बिल्कुल सर, इसके फादर के ऊपर भी था कि 400 BC कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसा करके विदेश लेकर पैसा भाग जाएंगे। हाँ तो सर हमारे पास पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है, 1-2 करोड़ कमा नहीं पाते, और हमारे पास सर 7 करोड़ के आसपास है। अगर हम चाहते तो सर पहले ही अगर भागना रहता तो हम पहले ही भाग गए होते। अभी सर हम 16 करोड़ ही टारगेट क्यों रखे हैं? ये लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चा बीमार है, इसलिए हमारे पास रहता तो सर हम इसे 1-1 रोज ये मरता हम नहीं देख सकते सर। इसे हर रोज़ इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, इसके बीमारी को ही लेकर वो जेल में अभी है। हाँ उनका ये कहना था कि लोग फ्रॉड कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, तो मैं चला जाता हूँ। और जाने से पहले उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ कोई सरकारी कोई आदमी रख दीजिए जो कि पैसे का लेखा जोखा करे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया सर। तो देख सकते हैं दोस्तों हम आए हैं आयांश के घर पे, आप लोग आकर देख सकते हैं और डोनेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन पत्रकारों को बताइए जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं,
और डोनेशन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।